हेलो बच्चों, हम डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स और आज हम एक और रिएक्शन डिस्कस करेंगे पाइरोलाइसिस। और इसी का एक और नाम है क्या, क्रैकिंग। जैसे हमारे दोस्त का दिमाग क्रैक हो जाता है गर्म होने की वजह से, इसमें भी हम हीट शीट यूज करेंगे। और इसी का एक और नाम है क्या, थर्मल डीकम्पोजिशन। कुछ बुक्स में इसे थर्मल डीकम्पोजिशन के नाम से भी जो है वो बुलाया जाता है इस रिएक्शन को। कुछ बुक्स में इसे थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से भी बुलाया जाता है। तो हम देखते हैं पाइरोलाइसिस क्या है। पाइरोलाइसिस हीट दे कर, लाइसिस मीन क्या, ब्रेकेज करवाएंगे हम किसकी, बॉन्ड की। और इसमें होगा क्या कि जो आपका हायर एल्कीन होगा, हायर एल्कीन्स, वो किस में कन्वर्ट होंगे, कैटलिस्ट और हीट। कितनी, 400 टू 500 सेंटीग्रेड के बीच में देकर, गर्मो गर्म चाय बनाकर आपका किसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा, लोअर अल्केन्स, और साथ में किसमें, अल्कीन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हम लिखते हैं इसका क्या, सपोर्ट ट्रिक। जैसे आपका एक भूखा दोस्त है और आपके आमों को देखकर बोलता है हाय आम आम, और अगर आप भूखे नहीं है तो उसे कहेंगे ले लो क्या, ले लो लोयर से क्या, ले लो क्या आम, और साथ में और भी उसे दे देंगे आप लोग क्या, आलू बुखारा, आलू बुखारा। और आलू बुखारे से आपको क्या, अल्किन्स। सो हाय आम ले लो आम और आलू बुखारा, ये इसका क्या सिंपल ट्रिक है। अब हम देखते हैं कौन कौन से हम लोग यहाँ कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं। यहाँ दो बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक आपका होगा सीसी बॉन्ड ब्रेक अल्केन का, ये का बॉन्ड ब्रेक होगा जब हम ये वाले कैटलिस्ट यूज करेंगे। पहला आपका क्या, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, फिर जिंक का ऑक्साइड ZnO, और फिर सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2, और साथ टेम्परेचर कितना, 400 टू 500 सेंटीग्रेड। और अगर हम ये वाले इनमें से कोई कैटलिस्ट यूज करेंगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा किसमें, अल्केन बच्चे। और अगर आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ब्रेकेज होनी है तो आपके ये वाले कैटलिस्ट नहीं होंगे, फिर ये वाले होंगे। क्रोमियम का ऑक्साइड Cr2O3 और वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 और क्या, मोलिब्डेनियम के ऑक्साइड, इसके ऑक्साइड्स, इनमें से अगर हमने कोई ऑक्साइड यूज किया है हमारा CH बॉन्ड जो है वो क्या होगा, ब्रेक होगा। चलो अभी हम देखते हैं इस रिएक्शन की एग्जांपल्स, क्या एग्जांपल इस रिएक्शन की, क्या एग्जांपल्स, क्या देखेंगे एग्जांपल, एग्जांपल्स एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, हायर अल्केन CH3 CH2 CH2 एंड CH3 क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। और आपने कैटलिस्ट कौन सा लिया, Al2O3, आप हीट करेंगे कितना, 400 टू 500 सेंटीग्रेड गर्म गर्म। और होगा क्या, आपको पता है जब ये कैटलिस्ट यूज करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, यहां क्या होगी, होमोलाइसिस। सो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां चला जाएगा डिंग डोंग, और दूसरा टिंग टोंग करता हुआ यहां चला जाएगा। अभी एक तो आपका क्या बना, मेथाइल फ्री रेडिकल, ये वाला टिंग टोंग, और फिर आपका दूसरा क्या बना, प्रोपाइल फ्री रेडिकल CH3 CH2 CH2 और ये आपका फ्री रेडिकल। अभी नेक्स्ट क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन आपका यहां जाएगा इन फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल, इसलिए मैं उस एच को थोड़ा सा अलग करके लिखता हूं EH। यहां भी क्या होगी, होमोलाइसिस। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपका इस हाइड्रोजन पर चला जाएगा। सो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, फिर ये दोनों मिलकर टिंक टॉक करते हुए क्या बनाएंगे, मीथेन। जैसे ऐसे CH3+H और बना गया आपका CH4, बना क्या CH4, आपका लोअर एल्केन एक बन गया। और इसका केस क्या होगा, जरा देखें। सो इसका केस तरीके से होगा कि आपका ये क्या है CH3 और यहां क्या है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, और ये आपका सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 और इसका ये इलेक्ट्रॉन, और यहां से टिंग टोंग टोंग डिंग डोंग बबल और बॉन्ड बनाएंगे तो आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, अल्केन। और आपने देख लिया कि आपका हायर एल्केन किस में कन्वर्ट हो गया, एक तो लोअर एल्केन में, और दूसरा किस में कन्वर्ट हो गया, आपका अल्कीन में कन्वर्ट हो गया। और एक और पॉसिबिलिटी है कि यहां से भी आपका बॉन्ड क्या हो सकता है, ब्रेक हो सकता है।
सो जब यहां से ब्रेक होगा तो फिर क्या होगा, यहां से होमोलाइसिस होगी इस तरीके से CH3, फिर जब यहां से बॉन्ड ब्रेकेज होगा फिर यहां भी क्या होगी होमोलाइसिस, एक इलेक्ट्रॉन डिंग डोंग करता हुआ यहां दूसरा इलेक्ट्रॉन डिंग डोंग करता हुआ यहां चला जाएगा, तो कितने फ्री रेडिकल बन गए, दो फ्री रेडिकल बन गए, और किसी ब्रांच में Al2O3 और हीट, सो एक आपका फ्री रेडिकल बनेगा ये CH3CH2 और ये फ्री रेडिकल, फिर दूसरा आपका क्या बनेगा CH3CH2 फ्री रेडिकल, और फिर क्या होगा यहां से एक हाइड्रोजन की फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल यहां शिफ्ट होगा कैसे, अरे भाई यहां कैसे ऐसे CH3CH2 और यहां से मैं एक हाइड्रोजन को अलग करके लिख रहा हूं H, यहां क्या होगी आपकी होमोलाइसिस, जब होमोलाइसिस होगी तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास और दूसरा इसके पास, दो शरारती बच्चे बनेंगे दो फ्री रेडिकल, अब ये वाला फ्री रेडिकल तो इसके पास जाने वाला इसके पास, सो क्या बनेगा CH3CH2 फ्री रेडिकल ये वाला प्लस एच फ्री रेडिकल, तो बनेगा क्या CH3CH3 आपका बन गया क्या लोअर एल्केन, और इसमें क्या होगा जरा देखिए इसे, इसके पास क्या है दो इलेक्ट्रॉन है, एक आपका ये वाला और दूसरा इसके ऊपर शिफ्ट हुआ है, और इसमें कुछ यूं होगा देखिए CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन और ये इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, डिंग डोंग टोंग टोंग डिंग डोंग बबल बनाकर यहां क्या बन जाएगा ईथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब क्या आपका अल्किन, सो इससे देखिए मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेगा, इससे पाइरोलाइसिस एक आपका बना क्या खूबसूरत सा क्या हैंडसम किस्म का मीथेन, और दूसरी आपकी बहुत ही प्यारी अल्कीन प्यारी सी, और तीसरा आपका मीथ एथेन बना, और चौथा आपका क्या बना फिर अल्कीन बना, सो ये क्या है पाइरोलाइसिस के इसके नॉर्मल ब्यूटेन की, चलिए हम देखते हैं एक और रिएक्शन, और वो किसका हम देखेंगे, इसी का ही देखेंगे बट उसमें हम कैटलिस्ट और यूज करेंगे, और उसमें क्या होगी CH बॉन्ड की ब्रेकेज, सो क्या होगा उसमें, अरे भैया हमारा बॉन्ड ब्रेक होगा कौन सा CH, कैसी लगी कहानी, अरे भैया पाइरोलाइसिस की होगी ब्रेकेज, बनेंगे फ्री रेडिकल्स, देंगे हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर एल्केन्स में, इसीलिए हमने इसे एक रैकिंग का भी नाम दिया था, थर्मल डीकंपोजिशन का भी नाम दिया था, चलो अभी हम देखते हैं और CH3CH2CH2CH3 अब आपने क्या कोई और कैटलिस्ट यूज करना है जो क्या करवाएगा CH बॉन्ड की ब्रेकेज करवाएगा, और वो है आपका क्या Cr2O3 टेम्परेचर यूज करने का 400 to 500 सेंटीग्रेड, अभी होगा कुछ यूं कि आपका CC बॉन्ड ब्रेक है, नहीं होगा कौन सा होगा CH बॉन्ड ब्रेक होगा, जब हम इसे बढ़िया तरीके से ऐड करते हैं, यहां से हमने H निकालना है तो इसलिए मैंने इस H को भी अलग कर लिया और इसको भी हमने क्या कर लिया अलहदा कर लिया, होगी क्या होमोलाइसिस होगी आपके पास, सो एक इलेक्ट्रॉन इस बच्चे के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन टिंग टोंग यहां एक इलेक्ट्रॉन टिंग टोंग दूसरा इस पर टिंग टोंग, तो क्या बना था देखिए जरा CH3CH2CH और इसके ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड CH2 यहां क्या है इलेक्ट्रॉन, सो यहां यहां इनकी क्या होगी बॉन्ड बनेगा और क्या बनेगा, अरे ने कुछ नया ही देखने को मिलेगा, ओह माय गॉड ये क्या बन गया आपका अल्कीन, प्रियांश अप्रियांश दो शरारती बच्चे बने थे, एक साथ था क्या ये और दूसरा था आपका क्या ये, दोनों मिलेंगे क्या बनाए एक खूबसूरत क्यूट सी कौन सी गैस हाइड्रोजन गैस, तो इस तरीके से आपके पास कौन किसकी ब्रेकेज होती है CH बॉन्ड की, जब आप क्रोमियम वेनेडियम या मोलिब्डेनियम का ऑक्साइड यूज करेंगे, चलिए अभी हम एक और एग्जांपल देखते हैं किसकी इसी की CH3CH2CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ Al2O3, सो कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, सो क्या होगी प्यारे बच्चों होमोलाइसिस, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां टिंग डोंग दूसरा इलेक्ट्रॉन डिंग डोंग, तो दो फ्री रेडिकल बने एक आपका बना CH3CH2 फ्री रेडिकल प्लस CH3
फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, और अभी यहां से एक हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल जाएगा यहां, कैसे बड़े अच्छे से आपको पता है, ऐसे CH2H, यहां फिर क्या होगी, होमो होमोलाइसिस, एक इलेक्ट्रॉन डिंग डोंग यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास। सो अभी नेक्स्ट में क्या होगा, ये दोनों मुन्ने मिलेंगे, क्या बनाएंगे, खूबसूरत मीथेन CH3 प्लस H, सो क्या बनेंगे CH4 बन गया एल्केन। और फिर नेक्स्ट क्या, यहां क्या सीन बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इलेक्ट्रॉन और फिर जो इस पर शिफ्ट हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहां बनाएंगे क्या, बॉन्डिंग डॉन्ग करते हुए किस में चले जाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और आपका क्या बन गया, एक हैंडसम किस्म का अल्कीन प्रिपेयर्ड हो गया। अभी हम यहां करेंगे कैटलिस्ट, कुछ और यूज और बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, कौन सा CH1 CH3 CH2 CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, क्या गर्म करने का, कितना गर्म, गर्म चाहे 450 to 500 सेंटीग्रेड। सो यहां से एक हाइड्रोजन आपका निकलेगा, तो मैं इसलिए इसे बढ़िया तरीके से यू राइट करता हूं, और यहां से भी आपका एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसे भी बढ़िया तरीके से यू राइट करता हूं, क्या होगी, होमो होमोलाइसिस होगी, और यहां भी होमो होमोलाइसिस होगी। सो एक इलेक्ट्रॉन आपका यहां, दूसरा यहां, टिंग टोंग टिंग टोंग टिंग टोंग। अभी आपके पास नेक्स्ट क्या बना, CH3 CH, और यहां है क्या इलेक्ट्रॉन, यहां भी क्या है इलेक्ट्रॉन, और बनेंगे क्या, टिंग टोंग, तो आपका क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया, फिर क्या, प्रोपीन, और इसमें देखें एक एच शरारती बच्चा, ये दूसरा, सो यहां ये आपका एक एच, और ये आपका दूसरा क्या बना, H2 प्यारी सी गैस। सो इसमें देखिए प्रोडक्ट आपका बना क्या, हैंडसम किस्म का अल्केन, अल्कीन हाइड्रोजन गैस, और ये भी आपकी क्या बनी, अल्कीन। सो ये सारी क्या है, पायरोलाइसिस ऑफ अल्कीन। इसे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और बढ़िया किस्म का रिएक्शन देखेंगे अल्केन का, और वो होगा एरोमेटाइजेशन ऑफ अल्केन्स।